बाहर की दोनों आंखों से थोड़ी देर के लिए अवकाश लेकर की भीतर के आविष्कार में उतरना, स्वयं का आविष्कार, स्वयं स्वरूप का, आत्मा का, अपने अस्तित्व का आविष्कार कर लेना। बाहर की दोनों पलके मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना, अपने भीतर को खाली कर लेना अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी जो जो है तेरे भीतर, तूने जो इकट्ठा किया है, अपने भीतर कचरा मलमल कीचड़ विकारों का, विकल्पों का, वृत्तियों का, विक्षिप्तताओं का, अननेसेसरी विचारों का, जो टेंशन का कारण बने, जो तेरे मनोरोग हृदय रोग का कारण बने, उन सभी विकारों के प्रति जागना। वो मन की प्रॉपर्टीज है, वही मन की संपदा है, संपत्ति है। इस मन की संपदा को, मन की माया को, मन के विस्तार को जागे जागे देखते रहना, तुम देखने वाले हो जाना, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, केवल देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के, निष्पक्ष निरपेक्ष ऊर्जा होकर के देखना, मन से हटकर के मन की गति को देखना, विचारों से हटकर के विचारों की गति को देखना, मन की दौड़ को देखना, मन की कृत्य को देखते रहना। मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ करने का, इसे करने देना, तनिक मात्र भी इसके साथ कोई सिग्निफिकेंस अटैच ना करना, कोई महत्व मत देना। भीतर जो भी करता है करने देना इसको, क्योंकि तुझे भीतर की राह पर इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए भी ये अपनी महत्ता को जताने के लिए, अपने अस्तित्व को जताने के लिए बार बार तेरी चेतना को, तेरे ध्यान को खंडित करता है। ये अपना महत्व जता रहा है, परंतु तुम इसके प्रति बहुत मुदित भाव, आनंद भाव में जागे जागे देखते रहना। मन को हटाना नहीं, तुम स्वयं मन से हटते चले जाना, विचारों से हटते चले जाना, किसी प्रकार की भी मन माया के जाल में, मन के फैलाए हुए आकर्षणों में, मन के फैलाए हुए ग्लैमर में तनिक मात्र भी उलझना नहीं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र करके, सब और से स्वतंत्र करके, सब और से अवकाश लेकर के तुम जागना, तुम देखने वाले हो जाना। ध्यान तो खूब लगता है सबका, परंतु मन नहीं टिकता, मन नहीं लगता। और ध्यान का सारा यतन एक ही है कि तूने मन को नहीं लगाना, मन को लगाने की कोशिश नहीं करना। ध्यान का अभिप्राय
केवल देखने मात्र से मन की गति में अवरोध नहीं देना, मन माया के विस्तार में तनिक मात्र भी दखल नहीं देना, मन की एक्टिविटी में कोई इंटरफेरेंस ना हो। मन जैसा भी है, जहां है, जो भी कर रहा है, तुम केवल उसको देखते रहना। अपने आप रास्ता छोड़ेगा, अपने आप तेरे भीतर मुड़ता चला आएगा, अपने आप। जब ये स्वतः विड्रा करता है पास्ट और फ्यूचर से, जब ये स्वतः प्रेजेंट मोमेंट्स में आता है, भीतर के क्षणों में आता है, वर्तमान के क्षणों में आता है, वापिस मुड़ता है, उस समय तेरे जीवन की शैली बदल जाती है। उससे तेरी आनंद, मस्ती, स्वास्थ्य, प्रेम, प्यार, मोहब्बत की वीणा बजने लगती है। उस समय तेरी सारी की सारी जिंदगी का रूपांतरण होता है, अपने आप बिहेवियर बदलता जाता है, अपने आप तेरा व्यवहार बहुत सुंदर होता चला जाता है, अपने आप तेरा हर कदम ठीक सही उठता चला जाता है। छोटी छोटी ज्ञान की चाबियां लेकर के तुम जीवन को बदलना चाहो तो बहुत लंबा रास्ता है, परंतु अगर भीतर ही थोड़ा सा मुड़ जाओ तो ये जीवन स्वतः ही सही दिशा की ओर चल पड़ता है, स्वतः ही जो होना चाहिए वही होता है। फिर तेरे से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कर्म नहीं होता जिसके कारण तुझको पश्चाताप करना पड़े। तेरा बिहेवियर बाहर अपने आप शुद्ध होता जाता है, साफ सुथरा, निर्मल, एकमात्र स्ट्रेट। कहीं डबल डीलिंग नहीं रहती, कहीं दोगलापन नहीं रहता, कहीं दोगली बात नहीं रहती तेरे द्वार पर, तो फिर कभी भी धोखा, फ्रेम, कपट, जाल की दुनिया में नहीं जाएगा। तो किसी के प्रति बुरा भी करना चाहेगा तो नहीं होगा, तेरी करुणा तुझको करने नहीं देगी। तेरी मानवता, इंसानियत की महान पट जीवन को खुशहाल करती चली जाएगी, प्रेम पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण बनाती चली जाएगी। थोड़ा सा अंतर्मुखी होती जीवन शैली बदल जाती है। लगातार देखते रहना, मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे रहना, ध्यान मगन रहना, देखते रहना भीतर जो दिखाई दे रहा है। अगर प्रभु का पावन स्वरूप, साकार स्वरूप, जहां तेरी श्रद्धा है वही सामने आता है, उसी में डूब जाना। और अगर विचारों की गति चल पड़ती है तो विचारों से हटकर के विचारों को देखते रहना, विचारों में खो नहीं जाना, मन की गति में कहीं खो नहीं जाना, जागे जागे देखते रहना। शांत मौन भीतर की ओर, तनिक मात्र भी डिस्टर्बेंस ना हो। मन के हाथों खंडित नहीं होना, अपनी
समृद्धि अपनी याद में रहना। मैं हूं देखने वाला, देख रहा हूं, देख रही हूं अपने भीतर की हर स्थिति को। अंधेरा हो, सन्नाटा हो, विचारों की गति हो, मन की दौड़ हो, सब देखते रहना। तुम इन सब से हट करके देखना, इनको देखना, इनसे हट करके देखना। कहीं किसी के साथ जुड़ना नहीं, कहीं किसी के साथ लिप्त नहीं होना। कोई भी विचार हो, अच्छा हो बुरा हो, तुम केवल निष्पक्ष न्यूट्रल होकर के देखती रहना। किसी विचार का पक्ष नहीं लेना, कोई पक्षपात नहीं लेना। मन कितना भी हावी होए, कितना भी भय घबराहट पैदा करे, कितनी भी पॉलिटिक्स खेले, उसके जाल में नहीं आना। अंतस की यात्रा पर तुम निरंतर जागे रहना, तुम केवल जागना। मन के साथ भागना नहीं, मन से हटकर की जागना, मन के प्रति जागना। प्रवासी जाग, ओ प्रवासी जाग, देख तेरे देश का संदेश आया। अनेकों बार मन के साथ खो जाओगी, विचारों में डूब जाओगी, सोच पकड़ेगी, व्यर्थ की दुनिया, व्यर्थ की सोच। विचारों की गति पकड़ेगी, तुम पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः इन सब को छोड़ते चले जाना। जो जो विचार तुम्हें पकड़ते हैं, तुम स्वयं अपनी सुरती, अपनी होश, अपना स्वभाव संभालना, तुम अपनी जागी में रहना। कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई प्रेशर इस समय ना रहे। ये समय केवल मात्र प्रभु को देखने का है, स्वयं स्वरूप में उतरने का है, अपने हृदय द्वार पर लहलहाने का है, अपनी प्यास को जगाने का है, बस उसी के लिए बने रहना, तुम जागे रहना। भीतर की यात्रा पर करना कुछ नहीं, केवल जागना, केवल अपनी सुरती, अपनी होश, अपना स्वभाव संभालना, अपनी अवेयरनेस में, अपनी स्टेट ऑफ अवेकनिंग में, अपने जागे में रहना। मन से विचारों से हटते जाना, आदतवश हट नहीं पाती, उसके साथ जुड़े रहते हैं, परंतु एक बार इस प्रोसेस में, प्रक्रिया में उतरे तो जरूर तुम इस माइंड से हट करके अपने स्वरूप में उतरोगे। मन से डिटैच होकर के मन के मालिक होकर के देखोगे, वही है वास्तविक जिंदगी, वही है जीने का ढंग, जीने की कला, वही है एकमात्र आर्ट ऑफ लिविंग। जागे जागे जीना।
भीतर का अनुभव लेना, हर स्थिति को देखते रहना जागी जागी। मन कितना भी भागे तुम देखते रहना, तुम भीतर रहना। तुम्हारा स्वभाव है वर्तमान में रहना, भीतर रहना। मन का स्वभाव है भूत भविष्य में रहना, पास्ट एंड फ्यूचर। मन का निवास है, मन का पहरावा है, मन का एकमात्र जगत है, मन का संसार है। बीते हुए कल में, आने वाले कल में, ये केवल दो कलों में रहता है, इसलिए कल्पनाओं में रहता है, कलुषित रहता है, सदा कांपता रहता है, ये कभी स्थिर नहीं। बीते हुए कल की यादें, आने वाले कल की योजनाएं, महत्वाकांक्षाएं निरंतर इसको घेरे रखती हैं। ये एक पल के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, इसका स्वभाव है कुछ ना कुछ करने का। ये करता है, कर्तापन के अभिमान में रहता है, इसलिए फल भोगता है अपने कर्तापन का, अहंकार का। परंतु तुम अकर्ता रहना, तुम साक्षी दृष्टा रहना, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है अकर्ता। साक्षी दृष्टा होकर के देखना, ये तुम्हारा स्वभाव है, हम सबका स्वभाव है। साक्षी होकर, दृष्टा होकर के जीना, मन की एक्टिविटी में कभी भी लप्त नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना, केवल जागे जागे देखते रहना। देखने मात्र से स्वतंत्र हो जाओगी, मन की दुनिया से स्वतंत्र हो जाओगी, मन माया से ऊपर उठ जाओगी। जब कभी संसार में जाना हो, जगत के कर्म में जाना हो, तो मन सदैव तुम्हारा सद्गुणी रूप होकर के साथ चलेगा। मन के माध्यम से तुम संसार का बर्ताव करना बहुत जागे जागे। परंतु जैसे ही तुम भीतर अपने स्रोत की ओर मुड़ जाओ, तो मन हमेशा शांत हो जाएगा, तेरे साथ चलेगा, तेरा मित्र हो जाएगा, तेरा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। क्या गजब की जागृत अवस्था है भीतर की सुप्ति का, भीतर की समृद्धि का, अपनी एकमात्र रिमेम्बरेंस का। क्या गजब का शिखर है, बेपरवाही है जहां, लापरवाही नहीं, बेपरवाही है। मेडिटेशन तुझको सुख पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण बनाती चली जाएगी। बहुत जल्दी मेडिटेशन तेरे जीवन जो जगाती है, गर तेरे में एक्सपेक्टेशन ना रहे। मेडिटेशन के द्वार पर कोई एक्सपेक्टेशन ना रखना, एक्सपेक्ट ना करना। मेडिटेशन तो तुझको तेरी याद, तेरे स्वरूप की याद, तेरे स्वभाव की याद कराता है, तुझको अपनी ट्रू नेचर में खड़ा करता है। वो तो स्वतः ही तुझको भरपूर करता चला जाता है, पूर्ण करता चला जाता है, फुलफिलमेंट में उतारता चला जाता है। देखते रहना जागी जागी, बार बार वापिस लौटना अपने जागे में, अपने स्वभाव में, बार बार अपने स्वभाव की याद। जब जब खो जाओ मन की दुनिया में,
मन की एक्टिविटी में, मन माया में एक टाइम जागना, पुनः पुनः वापस लौटना अपने स्वभाव में, अर्थात देखने में। गुरुवे नमः ओम।